सो so गायज 160 लोग मेरी टीम में हैं और मेरे साथ ट्रेनिंग ले रहे हैं एंड मैं ये चीज़ की खुशी देना चाहता हूँ कि वो सारे के सारे ना 160 लोग मेरे सब्सक्राइबर्स हैं भाई साहब एंड मुझे इतना अच्छा लगता है कि क्या ही बताऊँ कि जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं वो लोग मेरे साथ ट्रेनिंग करते हैं उनको मेरी ट्रेनिंग अच्छी भी लगती है एंड इसीलिए मैं बोलता हूँ सबको कि भाई साहब अगर आप करना चाहते हो काम अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हो एंड एफिलिएट मार्केटिंग सीखना चाहते हो एंड फाइनेंस मास्टरी सीखना चाहते हो तो आप मैसेज करें व्हाट्सएप hmm. पे और अपनी जर्नी स्टार्ट करें स्किल्ड पर्सन बने कुछ सीखें लाइफ में ठीक है जी और अपने बच्चों को कुरान से... क्लास सिक्सटी सिक्स दिस इज अ पार्ट Four, आज कुरान क्लास सिक्सटी सिक्स मुकम्मल कर देंगे एंड देखते हैं कि आज हमें क्या पता चलेगा क्या सीखने मिलेगा तो लेट्स स्टार्ट वो कहते हैं फिर नबील इस्लाम ने अनाउंसमेंट की अब क्या तक के लिए हराम है निकाह मोता क्यामत तक के लिए ये उसमें अल्फाज है और छब्बीस अहादीस है सही मुस्लिम में एक पूरा चैप्टर है उसमें आपको कई साहबा से मिलेगा कि अब यह हराम है और वो इंटरनेशनल नंबर है उन अहाीस का थ्री फोर वन जीरो से लेकर थ्री फोर थ्री फाइव तक चौंतीस सौ दस से चौंतीस सौ पैंतीस तक और उसमें आप एक हदीस तो जरूर पढ़िएगा चौंतीस सौ उनतीस नंबर थ्री फोर टू नाइन कि अब्दुल्ला अबन जुबैर जब खलीफा बने अब्दुल्ला इब्न जुबैर खलीफा बने हैं चौसठ हिजरी के बाद जब मौला अली को फौत हुए हुए कम अज कम चौबीस साल गुजर चुके थे तो मौला अली के समझाने के बावजूद भी अब्दुल्ला फतवे पे कायम थे वो निकाह मुता को जायज समझते थे उन्होंने रुजू नहीं किया तो फिर शिया यही फिर सुनियों को फकी देते हैं ना वो कहते हैं तुम कहते हो साहबा जो है वो सितारों की मानदा है तो फिर अब्बास सितारा नहीं है जिसके बारे में बुखारी में हदीस है कि इसे अल्लाह कुरान का इल्म ता फरमा तो फिर आप लोग उसको नहीं मानते तो हम क्या कहते हैं कि उनका कौल शाज़ है बाद लोग कहते रुजू कर लिया था रुझू वाली तो कोई बात नज़र ही नहीं इसमें आ रही बुखारी में भी मौजूद है कि वो इस कंडीशन के अंदर फतवा देते थे और मुस्लिम शरीफ में अब अब बिन जुबैर खलीफा बने चौंसठ हिजरी में तिहत्तर हिजरी में वो शहीद हुए नौ साल के लिए यजीद के मरने के बाद हिजाज में उनकी हुकूमत थी तो वो खुतबा दे रहे हैं खुतबे के दौरान उन्होंने अब्दुल्ला अपने अब्बास की तरफ इशारा करके कहा कि बाज लोग दुनिया में अपनी आंखों से अंधे हो चुके हैं और अल्लाह ने उनको दिल का भी अंधा कर दिया कि वो इस किस्म के फतवे देते हैं कि निकाह मुता जायज है अब अब्दुल्ला बिन अब्बास को गुस्सा आ गया उन्होंने उसी खुतबे के अंदर ही कहा कि तुम बेअदब और कम फैम हो इमाम वसल्लम जो प्रेसगारों के इमाम थे उन्होंने मुता की इजाजत दी है तो मतलब है कि अब्दुल्लाबनबास अपनी बात पर कायम थे तो अच्छा मुस्लिम शरीफ में ना इमाम मुस्लिम ने ना गुस्ताखी से बचने के लिए ना अब्दुल्लाम अबास का नाम नहीं लिखा रजुल एक मर्द एक मर्द लेकिन आप बाकी हदीस की किताबें उठाएंगे ना तो वो आपको नाम भी वो फुलां का नाम भी पता चल जाएगा मुस्नद अभी अवाना के अंदर बकायदा मेंशन है कि वह अब्दुल्लाबन अबास थे तो इब्ने बास अब्दुल्लाबासी जहरा ये कह सकते थे ना बेअदब काम फैम कोई ताबी तो नहीं कह सकता था एक सहाबी दूसरे सहाबी को अब्दुल्ला को कि इमाम ने हमें इजाज़त दी थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इब्ने अबैर ने कहा कि तू फिर करके बता मुता तो देख मैं तुझे रजम भी करवाऊंगा जहर वो तो खलीफा थे तो उन्होंने धमकी लगाई कि फिर ठीक है तू फतवा देना आप कर हाँ फिर तू देख मैं तेनल के करना और ये हदीस काफी लंबी है इसके बाद फिर एक ताबी जो है इसके साथ हदीस में ही आगे अल्फाज हैं वो ताबी कहते हैं कि ये मजबूरी की हालत में जायज़ था जो मैंने आपको पहले सही बुखारी में बताया कि अब्दुल्लाबिन अब्बास भी मुतलकन मुता को जायज़ नहीं समझते थे ना शिया मुतलकन समझते हैं जहाद के दौरान या जहाँ पर बीवी साथ ना हो दूसरे मुल्क के अंदर वो तो आपको पता है पिछले दिनों आपके अल हदीस की भी एक जिहादी तंजीम है उनके बारे में मैंने अखबार में पढ़ा है वो निका है जिहाद के लिए औरतें गई हुई थी वहाँ पर शाम के अंदर उन से निकाह करने के लिए वो उसको निकाय मुता का नाम निकाय लिया है वो निकाय मुता ही सी वक्ती तौर पर गई हैं सर इस्लामी करने के लिए तो ये हराम है अब ये मामला हराम हो चुका है जिस तरह शराब अब हमेशा के लिए हराम है ये हराम है हजरत अब्दुल्लास के कॉल को हम दुरुस्त नहीं मानते तो वो सही मुस्लिम के हदीस में वो आता है वो ताबी कहते हैं कि जिस तरह मुर्दार खाना मजबूरन जान बचाने के लिए जायज़ हो जाता है उस सूरत में जायज़ है मुतलकन ये जायज़ नहीं है और फिर आगे वो जो सयाबी जिन्होंने ये हदीस बयान की है कि क्या तक के लिए हराम हो गया उनका बेटा उमर बिन अब्दुल अजीज को जो खलीफा थे बनू उमैया के और लेकिन मुजहद भी हैं क्योंकि बनू उमैया की सारी गलत कार्यों को उन्होंने दुरुस्त किया अल्हम्दुलिल्लाह तो उमर बिन अब्दुल अजीज की मौजूदगी में ना वो उसी सयाबी का बेटा जो सबरा बिन महबद का बेटा है रबी बिन सबरा वो उमर बिन अब्दुल अजीज को यह दीस सुनाता है कि मेरे बाप ने खुद भी निकाय मुता किया था और उन्होंने मुझे बताया था कि नबीलाम ने फतेह मक्का के मौका पर चंद दिनों के लिए इजाजत दी थी पहले खैबर के बाद हराम हुआ और फिर जब यहां हराम हुआ तो वो हमेशा के लिए हराम हो गया गजब ओतास के मौका पर फतेह मक्का वाले साल और वो जो रवायत बयान कर रहे हैं वो कहते हैं मैं वहां पर मौजूद था उम बिन अब्दुल अजीज के पास अच्छा ये सारी जो मुस्लिम शरीफ की हदीस है ना ये मुस्लिद अभी अवाना के अंदर भी आती है और वहां पर वो रजुल उनके नाम भी मौजूद है कि वो अब्दुल्लाबन अब्बास थे और उसके आगे यही रबी बिन सबरा कहता है कि अब्दुल्लाबन अब्बास ने मरने से पहले अपने फतवे से रुजू कर लिया था लेकिन ये अल्फाज मुस्लिम में नहीं है बुखारी से भी यही पता चलता है कि कोई रुजू नहीं किया अब ये उनका उसने जान है उनका उसने जान होगा क्योंकि उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे उन्होंने बताया उन्होंने कहा कि वो उन्होंने रुजू कर लिया था अब वो क्या है सनद है उन तक पहुंची, बात नहीं पहुंची। बल अहल सुन्नत अब्दुल्ल अबनब्वास के हवाले से जान छुड़ाने के लिए ये रवायत पेश करते हैं बाकी जो अक्सरीत है सुन्नत की वो इस रवायत का सहारा नहीं लेती वो कहती है कि जी ये कैसे हो सकता है उन्होंने रुझू ना किया और जब उनको अदादी का पता चला था तो वो ज़ाहरा वो खुद भी मुजतह थे वो इन अदीस को मनसूख तस्वूर नहीं करते थे और कैटास्ट्राफिक कंडीशन के लिए बाकी मानते थे लिहाजा एल सुनत एहले तशैयो इस मसले पर लड़ने की जरूरत नहीं है आम हालत में तो न शिया मुता के कायल हैं और ना एले सुन्नत एले सुन्नत तो किसी सूरत भी कायल नहीं है वो कैटास्ट्रॉफिक कंडीशन में है और आपको यूट्यूब के ऊपर कई एक बैसे मिल भी जाएंगी और एह सुन्नत दूसरी तरफ निकाय मिसियाार का जो है ना वो दिफा कर रहे होते हैं क्यों कि वो सऊदिया वाले मुफ्तिया ने दे दिया और फिर इतने भोले हैं मैं प्रोग्राम भी इनके आप देखें कई लोगों के अपलोड हुए हैं वो कहते हैं जी निकाय मिसियार तो और वो निकाय मिसियार वो अपनी डेफिनेशन उसकी करते हैं भाई उस निकाय मिसियार को कौन हराम कहता है वो कहते हैं जी अल बकरा की आयत नंबर सुरह अनसा की आयत नंबर वन टवेंटी एट में आया ना कि औरत अपनी मर्जी से खामंद को अपना हक हाँ कोई मुआफ़ कर सकती है यानी कोई औरत यह कह सकती है कि ठीक है मेरा खामंद बेशक तीन महीने बाद मेरे पास एक दफ़ा आ जाए लेकिन मेरे साथ टैग लगा रहे कि मैं बेवा नहीं हूं मुतल नहीं हूं किसी की बीवी हूं ताकि मुझे एक प्रोटेक्शन रहे अरब के माशरे में तो ये बहुत चीज़ अहम थी आजकल भी है लेकिन मैं अपना आगू से माफ़ करती हूँ तो कुरान में आया कि वो माफ़ कर सकती है बिल्कुल कर सकती है बुखारी में मौजूद है कि इस्लाम की एक वक्त में नौ बीवियाँ थी लेकिन आठ के लिए बारी मुकर्र थी नौवी ने अपनी बारी हजरत आयशा को दे दी थी सैदा सऊदा ने रजील्ल्ला तहा और वह बुध में आता है कि उन्हें खदशा हुआ कि मैं बहुत बूढ़ी हूँ तो नबी इलाम मुझे कहीं तलाक ही ना देने अला ने क्या तलाक देनी थी उन्होंने खुद एज्यूम किया तो उन्होंने हजूर को खुद ही कह दिया कि मैं क़यामत वाले दिन भी आपकी बीवी के उठना चाहती हूं तो मैं तो वैसे बूढ़ी हूं मुझे तो खामद की हाजत नहीं है मैं अपना हक माफ करती हूं मैं अपनी बारी सईदा आयशा को देती हूँ और इतनी उनकी कदर करती थी वो कहती थी कि काश मैं सौदा के जिसम का टुकड़ा होती इतना हौसला किसी बीवी में हो सकता है कि वह अपनी बारी अपनी शौकन को दे दे यह भी उस अदीज के अंदर मौजूद है बुखारी और मुस्लिम में तो वो हक आपने छोड़ा वो कहते हैं जी ये हक तो खामद के लिए बीवी छोड़ सकती है और दूसरी बीवी को दे सकती है तो निकाह है मसीयार भी यही है मारना जाते अगर तेरा यकीन होता यही हो अगर निका है तो इसको कौन कहेगा आराम मसीार का मतलब है सैर वाला निकाह बस कभी कभार सैर करने के लिए आप चले जाए उस बीवी के पास ताकि बस सर ये मेरी बीवी है लेकिन ये सैर वाला मामला दूसरा भी है अरब में शेख ये नहीं कर रहे हैं वो मुफ्ती आजम सऊदिया का फतवा है अब्दुल अजीज बिन बाज का जो फौत हो चुके है नाइनटी नाइन में जो अरब लड़के यूरोप और अमेरिका में पढ़ने जाते हैं तीन साल चार साल के लिए तो अपनी बीवी साथ नहीं लेकर जा सकते वहां पे अपने जहन में रखते हुए किसी औरत के साथ शादी कर लें कि मैं जाते और इसे तलाक दे दूंगा पहले ही बसाने की नीयत से नहीं और कहते हैं अगर ये कहा ना कि मेरी तीन साल की पढ़ाई है और तीन साल के लिए निकाह करता हूं तो यह निकाह मुता बन जाएगा और वो तो हराम है देखो तो जहन में रख लें आप मुझे ईमानदारी से बताएं निकाह मुता फिर ज्यादा बुरा हुआ या ये वाला सो कार्ड निकाह मिसियार के जिसमें आप धोखा भी दे रहे हैं उससे तो बेहतर था अगर आपने चलना ही था तो तीन साल के लिए कर लेते कहते नहीं खुद जेहन में रखें अगर आपने टाइम पीरियड तय किया तो वो तो नबी ने हराम फरमाया हुआ है वही बात है कि मां बाप को उफ तक मत को गालियां निकाल लो मार भी लो ये वही चीज है और ये है वो निकाय मिसियार जिसे हम कंडेम करते हैं और पाकिस्तान में शेख जुबैली रही कहते थे ये जिना है और जिस निकाय मिसियार का ये लोग दिफा कर रहे होते हैं अहले हदीस उसको कौन हराम कहता है उसे कोई भी नहीं हराम कहता वो तो कुरान में इजाजत है निकाय मिसियाार खाम था, जुनून का नाम खरीद रख दिया है ये उसी तरीके से जब हम बनू मैया को रगड़ा लगाते हैं ना तो ये कहते हैं वो जी हजरत उस्मान भी बनू मैया में थे भाई हजरत उस्मान का तो हम जिक्र ही नहीं कर रहे हम तो खुलफा राशिदीन के बाद वाली बनू मैया की बात कर रहे हैं तो वो हजरत उस्मान के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं यहां पे भी मिस्यार का जब हम रद्द करते हैं ना तो कहते हैं ना मिस्यार तो ये होता है तो कुरान में इजाजत इजतः अजीब हजरत सौदा ने भी छोड़ दिया और सर उसकी नहीं बात हो रही ये बात है और ये प्रैक्टिकली ये केस हुआ है मुझे खुद एक अल हदीस आलिम ने तीन दिन पहले मेरी उनसे बात हुई इस टॉपिक पे तो उन्होंने कहा मेरे तो ये घर की बात है वो कहते हैं मेरा बहुत करीबी रिश्तेदार है और पाकिस्तान लेवल के अहले हदीस आलिम है मैं उनका नाम नहीं बताता वो कहते हैं मेरे घर की बात है कि सऊदी अरब का एक नौजवान गया फ्रांस में पढ़ने के लिए उसने वहां पर फ्रांस की कोई शाही खानदान जो चलता आ रहा था उसकी किसी लड़की के साथ निकाह मिस कर लिया और जब पढ़ाई के लिए वापस आया उसमें से उसका एक बेटा भी पैदा हुआ जब वापस आया उसे तलाश दिया कहा तो मुफ्ती आजम सऊदिया के फतवे पे अमल किया अब शाह अब्दुल्ला गई फ्रांस गया तो वो लड़की वहां पहुंच गई सर वहां तो फिर जुडिशरी आजाद है ना उन्होंने शाह अब्दुल्ला के सामने पेश किया कि जी ये आपकी बहू है लेके जाए इसे ये कर गया आपके साथ धोखा शाह अब्दुल्ला ने कहा ठीक है तुम आ जाओ सऊदिया तुम्हारा वीजा लगा सौदिया है उस लड़के को बुला के शाह अब्दुल्ला ने कहा जो पिछले वाले किंग थे कि ये तो तेरी बीवी थी तो उसने कहा जी मैं तो मुफ्ती आजम के फतवे पे अमल किया है वो मुफ्ती सारे पास ही लैर डुबते रहे हालांकि उन्हीं के लेवल के उनके बाद जो मुफ्ती आजम थे ना साले अल उसैमैन मैन उन्होंने बिनबाज का रद्द किया है कि इसका ही हराम है फतवा वो नहीं थे इस फतवे को जाए समझते वही सऊदिया से ही उनका रद्द हुआ तो शाह अब्दुल्ला ने कहा भी इसको बसाओ उसने कहा मैंने नहीं रखनी और नुकसान क्या हुआ उसका जो बेटा था जो मुसलमान था उसका नाम अब मैं नहीं बताता फिर ये पहुंच जाएंगे किसकी बात कर रहे हैं नाम भी मुझे रिश्तेदार रिश्ता भी नहीं बताता वरना तब भी पहुंच जाएंगे जो सऊदी नेशनल था उसने फिर वॉल्टियरली फिर शाह अब्दुल्ला ने कहा यार कोई तुम में से, से शादी कर ले तो उसने फिर उसके साथ शादी की कि यार हमारी इज्जत रह जाए और उसकी वजह से उस फ्रेंच औरत को शनैलिटी भी मिल गई और मजे की बात वो आखिरी वक्त तक अभी भी जिंदा है वो सऊदिया में रह रही है वो उसने इस्लाम भी छोड़ा वो मुसलमान ही है और मुसलमानों ने मुफ्तियों के फतवों के साथ ये किया ये वो फतवा है जिसको हम हराम समझते हैं और निकाह मुता से बदतर समझते हैं इस तरह के निकाह मसीार को और आप जिस तरीके से छुपने की कोशिश कर रहे हैं उस निकाह मुता को को पागल है जो निकाह मसीार को हराम कहेगा वो वाला मिस्यार और है ये मसीार और है सैर सपाटे वाला ठीक है जी अल्लाह से दुआ जो हक बात मैंने कही ताला हमारे दिलों में रासिक फरमाए अगर जिस बात में मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल गई अल्लाह हमारे दिलों से माफ कर दे हमें माफ़ भी फरमा दे हमें सुन्नत की तलीमत पर अमल करके दूसरे भाइयों तक पहुँचाने की तौफ़ीक क़ा फ़रमाए सुबह रिएक्शन ऑन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब मेरे को तो एक चीज समझ नहीं आती इनको इतनी ज्यादा नॉलेज wow है भाई, भाई। मतलब उनको हदीसें ऐसे मतलब याद है पूरी कि भाई ये वाली हदीस यहाँ पे इसका ये नंबर है एंड वो पूरी वहाँ पे बाकायदा साइड में आती है ये वाली बात मुझे मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की सबसे बेस्ट लगती है कि ये इंसान जो है जो भी बोलते हैं वो हदीस के हवाले से बोलते हैं हर एक चीज़ की हदीस बताते हैं कुछ भी अपने पल्ले से नहीं बताते हमेशा हदीस बताते हैं एंड वो हदीस सनद है कैसी है क्या है वो पूरी बताते हैं कहाँ से ली गई है उसका नंबर क्या है उसका रेफरेंस क्या है पूरा रेफरेंस बताते हैं भाई सबसे बेस्ट भाई क्या चाहिए और लाइफ में और फिर भी लोगों को अलग ही लगता है पता नहीं क्या लगता है सो गाइज आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अच्छा लगा है तो ज़रूर बताएगा कमेंट सेक्शन में तो मिलते हैं अगले वीडियो में बाय टेक केयर यू